सो गाइस हम लोग पहुंच गए नानी के घर और पीछे से आप लोग देख सकते हैं बहादुर लोग आ रहे हैं मेरे पीछे से, ये सारे बहादुर हैं जो सामान उठा रहे हैं। और अभी हम लोग चले गए हैं सीधा नानी के घर, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। बाकी मेरे को हेडक बहुत हो गया है तो मैं इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हेडक की वजह से मन भी नहीं कर रहा शूट करने का। ये लोग क्या जमा किसका था क्या कैंसर मगर नानी के घर पे पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। टीवी पे सरदा मन ट्रांसफर के तीर बाबा ना काका पता तो धुआं वहां तक दे गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे मैंने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया है और मैं आ चुकी हूँ अपनी नानी के घर। जस्ट ये पीछे मेरी नानी का घर है और दिव्यांगना हाय करो। हाय। सो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था मुझे हेडेक हो रहा है, तो हेडेक जब होता है तो दिमाग आपको पता है काम करना बंद कर देता है और मेरे से सोया भी नहीं जा रहा था क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। वॉक करके थोड़ा सा मतलब हेल्थ सही हो जाती है, तो इस वजह से मैं अपने मतलब हेडेक जो मुझे हो रहा है इसे कम करने के लिए थोड़ा वॉक कर रही हूँ। कहीं पे जा रही हूँ, यहीं थोड़ा दूर जा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है गाइस, मैं आपको एक बार यहाँ का वेदर दिखा लेती हूँ। ये है हमारी सिस्टर, हेलो करो। हाय। तो ये देखिए यहाँ पर वेदर देखिए आप, बिल्कुल मौसम ऐसा होता है ना, बिल्कुल बादल ऐसे लग गए हैं और ठंड, और बाकी ठंड यहाँ पे इतनी है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि ये सबसे मतलब होता ना टॉप में है और इस वजह से यहाँ पे ठंड भी है। बादल देख के आपको लग ही रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और तो चलो अभी मैं जा रही हूँ गाइस वॉक। सो गाइस वॉक करते करते हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ की दिखाना चाहूँगी, उत्तराखंड की सबसे मतलब प्रसिद्ध चीज़ें बोल सकते हो आप लोग, तो मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। सो मे बी आप लोगों को दिखे ना दिखे, बट गाइज ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर के फ्लावर दिख रहे हैं ना, तो ये है बुरांस। इसका मतलब ये इसका जो फूल है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका जूस बनता है यहाँ पे। तो मैं अगर आपको नीचे गिरा होगा कहीं पत्ता तो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि पेड़ पर है तो पेड़ पर मैं जा नहीं पाऊँगी, बट मैं नीचे आपको दिखा लेती हूँ। हाँ यहाँ पर गिरा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके का होता है ये, देखिए कुछ इस तरीके का होता है ये, और ये ना एक ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं। मे भी आपको उधर दिख रहा होगा, मे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी पेड़ है और इस साइड पेड़ है, ये देखो हल्के हल्के आपको दिख रहे होंगे। तो ये होता है, अगर हम लोग इसे खाएंगे ना गाइस तो ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसका यहाँ पे जूस बनता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो आजकल ये बसंत, क्योंकि आपको पता है विंटर में एकदम से सूखा बिल्कुल रुखा सूखा हो जाता है, तो अभी यहाँ पे मतलब होता ना हरियाली जो आ जाती है, बसंत ऋतु बोलते हैं, मे भी इतना मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, बट सॉरी मेरे हिसाब से बसंत ऋतु ही बोलते हैं। तो उत्तराखंड में एक सॉन्ग है जो बसंत पंचमी पे गाया जाता है, तो उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग जो वो फूल है मैं आपको बताना चाहूँगी, तो वो है ये फूल, ये देखो ये येलो कलर के बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर, ये उत्तराखंड में आपको हर जगह पे मिलने को दिख जाएंगे। और इन फ्लावर को मतलब बोया नहीं जाता है, ये लगाया नहीं जाता है, नेचर मतलब ऑटोमेटिक ये नेचर से ही मतलब हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे फूल हैं और इनको बोला जाता है फ्योली। और एक गढ़वाली गाना भी है, चला फुलारी फ्यो, हाँ एक गढ़वाली गाना भी है, चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरोला, तो वो उस गाने में इसी फूल का जिक्र किया गया है। ये बहुत ही अच्छा फ्लावर है, देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, हर जगह ये फूल दिखता है उत्तराखंड में। सो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है फूल, बचपन में हम भी खूब इस फूल से खेल करते थे, मतलब अपने बालों पे लगाते थे। सो पूरी जगह ये फ्लावर हैं और ये बुरांस है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कम दिखने को मिलती हैं
और हम मतलब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, तो हमें नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों के आपको दिखाना ज़रूरी है। जो मैंने आपको बुरांस का दिखाया था फूल, अभी फ्लावर, वो भी ऑटोमेटिक नेचर के अकॉर्डिंग ही, मतलब वो पेड़ होता है, ऐसा नहीं कि उसे अलग से बोया जाता है, वो भी ऑटोमेटिक होता है। और ये जो फ्योली का फूल है ये भी ऑटोमेटिक होता है। सो बस मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर इस चीज़ को करें। चलो अभी हम और घूमने जाते हैं, फिर आपको मिलती हूँ करने, और अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तो चलो मिलते हैं, बाय। हम उसी आगे मिलते हैं, मैं कहीं और जा रहा हूँ।